जब मैं छोटा था तो मेरे घर में एक बड़ा रेडियो सेट हुआ करता था, हम विविध भारती सुनते थे। मैं काफ़ी छोटा था, एक कार्यक्रम आता था हवा महल, फिल्मी कार्यक्रम आते थे, चुटकुले आते थे, हम बड़े चाव से उसे सुना करते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, टीनेजर था मैं, कॉलेज जब जा रहा था, और वो एक टेलीविज़न क्रांति का वो दौर था, केबल टीवी पे काफ़ी चैनल आया करते थे, और हम कहीं ना कहीं हमारे याददाश्त से, मेरे याददाश्त से ये रेडियो काफ़ी दूर चला गया था। लेकिन वाइल्ड कार्ड से एंट्री करते हुए एफएम रेडियो आए, उन्होंने कहें युवाओं की सोच के हिसाब से कार्यक्रम दिए, उसी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किए, और रेडियो भी टेलीविज़न साथ अपनी जगह बना गया। आज युवा हो चाहे बड़े हो, हर तरह के लोग हो, चाहे शहरी लोग हो, ग्रामीण लोग हो, उन्होंने रेडियो के साथ अपना एक रिश्ता बना लिया है। तो वीकेंड इनसाइट में इस सप्ताह में बात करूंगा रेडियो के बदलते आयामों पर, चाहे वो शॉर्ट और मीडियम वेव में रेडियो आया हो, एफएम रेडियो हो, या फिर कम्युनिटी रेडियो हो, किस तरह से उसने आम भारतीयों को जोड़ा है। पहले जहां मुनादी लोगों के बीच जनसंचार का साधन होता था, वहीं आज हम 21वीं सदी में हैं, तो जाहिर है कि जनसंचार के नए आयाम भी देखने को मिलेंगे ही, और रेडियो इसी कड़ी का नया अवतार है, या यूं कहें कि मीडिया का एक ऐसा रूप जो आया तो दबे पांव, लेकिन लोगों के दिलों में इसने थोड़े ही समय में अपनी जगह बना ली थी। रेडियो ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उन पहलुओं को छुआ जो आम जिंदगी की मूलभूत जरूरतों से जुड़ा था। मैंने सुना वहाँ पे बहुत ठंड होती है, तुम स्कूल में जाते हो तो क्या 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 मस्ती करते हो, क्या मजे करते हो? देखिए, मैं युवाओं की भाषा में बात करूँ तो मोबाइल का क्रेज है, मोबाइल में लोग रेडियो सुनते हैं, और बहुत सीधी सी बात है कि मोबाइल भी जैसे हमारे बैंड पे आधारित होता है, तो रेडियो भी बैंड पे ही आधारित हुआ करते हैं। जैसे कि हमारे टीवी चैनल्स के अलग अलग बैंड होते हैं, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी लो फ्रिक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज, तो इसी तरह का जो ज़माना था शुरुआती दौर, वो था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, जिसे मीडियम वेव कहते हैं। अगर आपके घर में कोई पुराना रेडियो हो अभी भी, जो आपके मम्मी पापा सुनते हों या आपके पुराने लोग सुनते हों, तो सब देखेंगे उसमें MW लिखा होता है, यानी मीडियम वेव। उसके बाद एक बैंड आता था शॉर्ट वेव। वो जो दौर था जब हम लोग खबरें सुना करते थे मीडियम वेव पे और शॉर्ट वेव फ्रिक्वेंसीज पे, हम लोग BBC ट्यून करने के लिए बहुत मेहनत करते थे, और रेडियो में एक लंबा सा एरियल होता था निकालते थे, या आउटडोर एंटीना होता था, वो हम लोग बांध करके तारों में, और उसमें बाज़ाबता अलग से रेडियो के पीछे दो उसमें होल्स बने होते थे, एक एंटेना के लिए और एक अर्थ के लिए। आजकल के सेट में चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि दायरा बहुत सिमट गया है, चीज़ें बहुत छोटी हो गई हैं, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है। ये एक सस्ते का माध्यम है, बहुत सस्ता है, और उससे लोगों को एजुकेशन मिलता था, उनको जानकारी काफ़ी चीज़ों की मिलती थी, और उससे उनका बहुत फ़ायदा होता था, स्पेशली जो कृषि लोग हैं या जो एजुकेशनिस्ट हैं गांव में, और हेल्थ रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनका काफ़ी बहुत पॉपुलैरिटी था ऑल इंडिया रेडियो में। ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच देश के 99% से ज्यादा लोगों तक है। ऑल इंडिया रेडियो के 237 प्रसारण केंद्र, जिसमें 149 मीडियम वेव, 54 शॉर्ट वेव और 177 FM ट्रांसमीटर हैं। ऑल इंडिया रेडियो देश का सबसे बड़ा रेडियो की सेवा पहुंचाने वाला संस्था रही है। 1957 से ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी के नाम से जाने लगा, इसको जानने लगे आकाशवाणी 1957 से। 1936 से आकाशवाणी में पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ, और तब से धीरे धीरे प्रसारण का समय सीमा बढ़ाया गया और नंबर ऑफ बुलेटिन, जितने संख्या बुलेटिन का संख्या भी बढ़ाया गया। अभी हमारे यहाँ से 55 घंटे का प्रसारण होता है, समाचार सेवा का प्रसारण, जिसमें आपका करंट अफेयर्स प्रोग्राम है, स्पॉटलाइट प्रोग्राम है, समय की वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम है, और समाचार बुलेटिन का संख्या भी 647 है, और ये खाली हिंदी अंग्रेजी में नहीं, आंचलिक जो रीजनल लैंग्वेज में वहाँ से भी होते हैं। अमृतसर्स बिग 93.7 FM पर मैं हूँ सनी, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर लेला स्टार्स, हो रही है पूरी मस्ती। आज हर तरफ रेडियो की गूंज सुनाई देती है, बात चाहे FM की हो या फिर सामुदायिक रेडियो की, लेकिन
कुछ साल पहले तक हालात ऐसे ना थे। टीवी के चकाचौंध के आगे रेडियो कहीं खो गया था। जब से लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और कलर टीवी आया, वो एक डिस्ट्रैक्शन बन गया। रेडियो पे जो कृषि दर्शन या कृषि के जो कार्यक्रम सुनते थे, अब हम कृषि के कार्यक्रम देखने लगे थे। युवा जो अपना कार्यक्रम सुनते थे, अब वो देखने लगे थे। महिलाएं जो कार्यक्रम सुनती थीं, अब वो देखती थीं कि भाई हमें अगर अचार बनाना है तो हम टेलीविज़न में देख रहे हैं कि मिर्ची का अचार कैसे बनेगा, आम का अचार कैसे बनेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हुई और वो एक रेडियो जो था वो कहीं ना कहीं उपेक्षित हो। लेकिन फिर धमाकेदार एंट्री करते हुए रेडियो ने वापसी की और एफएम के रूप में देश में छा गया। वाओ, वेरी गुड, कम ऑन यार, वेरी गुड यार, तालियां हो जाएं इनके लिए। क्यों, तालियां मारोगे नहीं मारोगे? मारेंगे सर। क्या बात है, मारते यार। क्योंकि आप हर वक्त ट्रैफिक में होते हैं, काम पे निकलते हैं, वक्त बेवक्त जा रहे होते हैं, उस वक्त पता नहीं आपके डेस्टिनेशन की ओर क्या घटना घट रही है। अगर उसकी जानकारी आपको चलते आपकी गाड़ी में मिल जाए तो जाहिर सी बात है आप रूट डाइवर्ट कर सकते हैं। आप उसके पहले आप अलर्ट हो सकते हैं। एक अवेयरनेस जो क्रिएट किया है प्राइवेट एफएम चैनल्स ने, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। सिर्फ प्राइवेट ही नहीं बल्कि अब तो इस चीज़ को आकाशवाणी भी कम से कम अपने एफएम चैनल्स में, जो उनका एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड है, उस पर तो इस चीज़ को लागू कर ही रहे हैं। क्योंकि समय के साथ बदलाव आकाशवाणी में भी आया है, जो मैं देख रहा हूँ। प्राइवेट एफएम चैनल के आने से एक फ़ायदा हुआ कि इसमें जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के प्रोग्राम शुरू हुए, कई इसमें कंपटीशन शुरू हो गए, आपके इस तरह के कार्यक्रम आने शुरू हुए जिससे हर यूथ जुड़ना चाहने लगा, उसकी आवाज़ एयर पे भी आने लगी, उसके मन चाहे गाने बजने लगे। और कहीं ना कहीं वो जो कमी थी कि हमें रात के 11:10 का इंतज़ार करना है या रात के 12 ही बेला के फूल कार्यक्रम आएगा या आपकी फरमाइश आएगा या आपकी पसंद, तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। पुराने दिनों की मैं बात करूं AIR के ज़माने की, तो मैं हमेशा सुनता था कि भारत, हिंदुस्तान, युवा, ऐसे शब्दों का प्रयोग, भाषा के प्रति बड़ी ईमानदारी बरती जाती थी। अगर आप हिंदी भाषा में कार्यक्रम पेश कर रहे हैं तो हिंदी या उर्दू के मिक्स की कोई भाषा बोली जाती थी, अंग्रेज़ी है तो एक खालिस जो अंग्रेज़ी होती थी वो बोली जाती थी। एफएम रेडियो आने के बाद भाषा का उसने वो बैरियर तोड़ा है। अब हिंदी और इंग्लिश को मिला के इंग्लिश बना दी गई है, हिंदी पंजाबी को मिला के पंजाबी बना दी गई है, एक ऐसी भाषा जो आज का शहरी युवा अपने कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ बोलता है, वो एफएम रेडियो ने, खासतौर से जो निजी एफएम रेडियो हैं उन्होंने इस्तेमाल की है। और माना जा रहा है कि शहरी युवाओं से जो एफएम जुड़ा है उसके पीछे भाषा का जो ये बैरियर टूटा है वो भी कहीं ना कहीं कारण है। अरे यार बताऊं यहां पर कि अभी एफएम की सफलता के पीछे कई वजह भी हैं। इसने आर्थिक उदारीकरण के बाद के युवाओं को, जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के तरीकों में कार्यक्रम पेश किए। लगने लगा कि माइक के पीछे जो आरजे बैठा है वो कॉलेज गोइंग कोई लड़का या लड़की है। मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं मेरे साथ यहां पर लेला स्टार्स हो रही है। पब्लिक को अच्छा नहीं लगा जो एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी था, विच इज रॉन्ग, बिकॉज मैस कम्युनिकेशन यू हैव टू केटर टू द पब्लिक, एंड इफ यू डू इट थ्रू अ लैंग्वेज विच दे अंडरस्टैंड लाइक हिंदी फिल्म्स, that is a better thing to do than to stick to some very sanskritized type of communication. For example, the Urdu service does not do that. The Urdu service of All India Radio is more popular because it uses a language which people understand much more better. अब नए जमाने हम लोगों ने रेडियो जॉकी कहते हैं, लेकिन जो पुराना जो शाब्दिक अर्थ जो आकाशवाणी ने दिया था वो रेडियो उद्घोषक या रेडियो अनाउंसर ही हुआ करता था। और रेडियो अनाउंसर के साथ एक जो क्वालिटी होती थी, जब जो छवि हम लोग बनाते थे, जब उनकी बिल्कुल एक भारी भरकम आवाज़ हमारे रेडियो सेट पे आती थी, तो ये लगता था कि ये व्यक्तित्व कैसा होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, कितनी काबिलियत होगी इसमें, इसके वर्ड्स मोतियों की तरह गिरते हैं, ना जाने कितनी मेहनत की होगी और ऐसी आवाज़। और कहीं ना कहीं दिमाग में आता था और हम लोग पूछते थे कि इतनी मीठी बातें आप कैसे कर लेते हैं, इतना मीठा कैसे बोल लेते हैं, क्या कहीं ये तो नहीं कि प्रोग्राम करने से पहले आप मिठाई खा लेते हो, चीनी खा लेते हो, रसगुल्ला खा लेते हो? यहाँ पर आना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ अलग रह गया कश्मीर से। लेकिन कुछ पुराने रेडियो के प्रशंसकों का मानना है कि विवजह भाषा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और तर्क दिए जा रहे हैं कि पहले जो मीडियम वेव या शॉर्ट वेव पर सामाजिक सरोकार से जुड़े प्रोग्राम पेश होते थे, वे अब एफएम पर म्यूजिकल प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गए हैं। जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें कई सारे शब्द अंग्रेजी के जुड़े होते हैं, कई सारे शब्द उर्दू से आए हैं, कई सारे शब्द जो संस्कृत से आए हैं, जो बोलचाल की आम भाषा होती है, तो वो आम भाषा रेडियो की भाषा पहले नहीं थी।
लेकिन तर्क कुछ भी दिए जाएं, कहावत है जो वक्त के साथ बदलता है सफल वही कहलाता है, और ये बात रेडियो पर भी फिट बैठती है, जिसने एफएम के रूप में अपनी एक अलग जगह बनाई है, जिसे टीवी के आगे चूका हुआ माना जा रहा था, उसने समाज को अपने होने का एहसास दिलाया। मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, उसके बाद आया एफएम, और अब उसका एक छोटा जो रूप आया है वो आया है कम्युनिटी रेडियो, सामुदायिक रेडियो। 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में काम करता है। शहरों में हमने इसे कैंपस रेडियो के तौर पे देखा है, चाहे जामिया हो, चाहे आईएमसी हो, चाहे अन्नादुरई यूनिवर्सिटी का रेडियो रहा हो, और अब गाँव में भी हमने इसका संस्करण देखा है। बड़ी सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, उनकी जो लोकल समस्याएं हैं उसे उनकी भाषाओं में समझाता है, और ये कहीं ना कहीं जो भारत जैसे विषम परिस्थिति वाला देश है उसकी नब्ज को पकड़ने वाला जो कहीं ना कहीं रेडियो है, और इसे काफ़ी सफल भी हो रहा है। पार्श्व गायक मन्नाडे की जिंदगी में फिर वो भी पल आया जिसका इंतजार सभी पार्श्व गायक करते हैं। वो फिल्म थी मशाल, गीत प्रदीप ने लिखा था और गाया था मन्ना दा ने। गीत थे ऊपर गगन विशाल। ये गाना अपने ज़माने में इतना पॉपुलर हुआ कि मन्ना डे को एक पहचान दे गया, और आज भी मन्ना डे जहाँ कहीं भी जाते हैं वो ये गाना गाना नहीं भूलते। रेडियो की यह क्रांति सिर्फ एफएम तक ही नहीं थमी, बल्कि कम्युनिटी रेडियो के रूप में इसका नया अवतार सामने आया, जिसने आम आदमी को उसकी अपनी जबान दी। सामुदायिक रेडियो, जो कि 15 से 20 किलोमीटर के छोटे से दायरे में रहकर उस क्षेत्र की समस्याओं को आम लोगों के सामने रखता है, इस बात में कोई शक नहीं कि कम्युनिटी रेडियो ने मीडिया के तस्वीर को एक नई तस्वीर दी है। सिवनी जिले के वन संरक्षक आरजी सोनी का इस बारे में कहना है। 29 जून 2007 11:30 होगा, उनको होगा 2007 3:00 होगा शाम में, 2007 सुबह 11:00 होगा। सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग, वो जनता जो गली कूचों में रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, उनकी आवाज़ के लिए कोई स्टेज या कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ये चीज़ें सोच के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ कम्युनिटी रेडियोज़ फ्लोट करें जो उन जनता की आवाज़ दूसरों तक पहुंचाई जा सके। अब चूंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा हुआ होता है, और ज़रूरी नहीं कि वहां तक लोग पहुंचे, तो वो पहुंचने के लिए ये छोटे छोटे से रेडियो स्टेशंस खोले जाने का तसव्वुर पैदा हुआ। जब आप सोशल वर्कर से बात करते हैं, वो हमेशा बोलता है कि एक सबसे बड़ी कमज़ोरी है भारत के गांव-गांव में, कि लोग के पास जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी जैसा शिक्षा की, जैसा स्वास्थ्य के, जैसा कैसे गांव को साफ कर सकते हैं, जैसा सरकार को उनको देने के क्या हक है, वो भी नहीं जानता, अपने राइट्स के बारे में नहीं जानता है। कम्युनिटी रेडियो सबसे अच्छा मीडियम है ऐसी जानकारी फैलाने के लिए, इसलिए वो भारत के गांव वालों को बहुत बहुत मदद कर सके। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूँ ना। इस बात के इंतजार में है कि हम गजलें कब सुनेंगे। जी हाँ, ये रेडियो जामिया 90.4 है जिस पर गजलें भी सुनाई जाती हैं। तो सामीन आइए मुन्नी बेगम की आवाज में सुनते हैं ये गजल। सामुदायिक रेडियो के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए सरकार ने इसके प्रोत्साहन के लिए कई कदम उठाए। दिसंबर 2002 में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने कम्युनिटी रेडियो को लाइसेंस प्रदान करने की घोषणा की। आईएनबी मिनिस्ट्री द्वारा लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 1 फरवरी 2004 को अन्ना यूनिवर्सिटी में देश का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खुला। इसके अलावा भारत में कई सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं जो ग्रामीण अंचल में काम कर रहे हैं, जिसमें
झारखंड का अल्टरनेटिव फॉर इंडिया डेवलपमेंट है, गुजरात का कच्छ महिला विकास संगठन है और कर्नाटक का वॉइसिस परियोजना है, तो साथ ही आंध्र प्रदेश का डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी भी है। कम्युनिटी रेडियो का मुख्य उद्देश्य समाज से जुड़े मुद्दे, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास से जुड़े मामलों को बढ़ावा देना था और रेडियो के इस नए रूप ने विकास कार्यों में आम आदमी की भागीदारी को बढ़ाया ही है। भारतीय संस्कृति में चौपाल का एक कॉन्सेप्ट था, जहां शाम को बैठकर आपस में बातचीत की जाती थी, तो कम्युनिटी रेडियो में उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, जहां एक समुदाय अपने आदान प्रदान करता है सूचनाओं का। एक खास बात जो कम्युनिटी रेडियो को दूसरे रेडियो स्टेशन से अलग करती है वो है इसका ऑडियंस एज ए सब्जेक्ट होना। हम किसी भी दूसरे रेडियो स्टेशन की बात करते हैं तो वहाँ ऑडियंस को एज ए ऑब्जेक्ट लिया जाता है, उसको एक वस्तु समझा जाता है, उस तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। यहाँ वो स्थिति नहीं है, यहाँ ऑडियंस को एज ए सब्जेक्ट लिया जाता है। और कम्युनिटी रेडियो का वैसे भी कॉन्सेप्ट है कि बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। आज रेडियो के कई रूप हमारे सामने हैं, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, एफएम और कम्युनिटी रेडियो। सभी का अपना एक रोल है, कोई मनोरंजन तो कोई जानकारी पेश कर रहा है। आज के दौर के युवा ने अपने अपने जरूरतों के हिसाब से इसे एक पॉपुलर माध्यम बनाया है। देखिए, रेडियो का भविष्य तो बहुत ब्राइट है, उज्ज्वल है, इसलिए कि हमारे जैसा देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ हमारे जो लोग हैं, आम जनता, वो इतना एजुकेटेड भी नहीं है और पॉवर्टी लेवल भी, बहुत सारे लोग पॉवर्टी लेवल के नीचे भी हैं, तो इनके पास जो सूचना या खबर पहुंचाना है वो सेवा सिर्फ आकाशवाणी ही कर सकती है या दूरदर्शन जैसे सेवा कर सकती है। रेडियो का भविष्य मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है और मुझे ये लगता है कि यूथ में जो चाहत उभरी है, पुरानी चीज़ों की जो उनका अवेयरनेस बढ़ा है, वो ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, और जब भी वो सुनते हैं तो पूछते हैं कि कभी रेडियो सिलोन से बिना का गीतमाल आया करता था, या मोदी के मतवाले रही, या एस कुमार्स का फिल्मी मुकदमा, ये चीज़ें क्या थीं। जाहिर सी बात है कि हमारे यूथ का शायद उस जमाने में जन्म नहीं था और वो जानना चाहते हैं। समाचार पत्र आए, उसके बाद रेडियो आया, टेलीविज़न आया, अब इंटरनेट है। हमेशा कहा गया कि जब भी नई चीज़ आती है वो पुरानी चीज़ों को खा जाती है, उसकी जो लोकप्रियता का स्तर है वो कहीं ना कहीं कम होता है। लेकिन जो दौर बदल रहा है उसमें हमने देखा है, अखबारों ने भी अपनी एक जगह बनाई है, टेलीविज़न ने अपनी जगह बनाई है, रेडियो जो माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, उसने भी अपने स्वरूप को थोड़ा बदला है और अब रेडियो अपने हर संस्करण में, चाहे वो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, एफएम हो, कम्युनिटी रेडियो हो, उसने अपने सफलता का एक आधार बनाया है, उसने अपना एक दर्शक बनाया है। और माना जा सकता है कि आज का जो दौर है उसमें सब जगह, चाहे अखबारों की बात करें, टेलीविज़न की, इंटरनेट की, रेडियो की, अब युवाओं के पास, अब लोगों के पास हर चीज़ को देने के लिए समय है, वो हर चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं। आज वीकेंड इनसाइट में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे विषय को लेकर, उसकी पूरी पड़ताल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उसके बारे में। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। माँ एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसकी विशालता का अंदाज़ा आज तक कोई कवि, लेखक या दार्शनिक नहीं लगा पाया। माँ शब्द की संपूर्णता का इससे बड़ा मिसाल और क्या होगा कि स्वयं भगवान को भी धरती पर आने के लिए किसी माँ का बेटा बनना पड़ा, माँ की डांट खानी पड़ी, माँ की नाराज़गी और गुस्सा भी झेलना पड़ा, लेकिन माँ तो माँ है। कहते हैं माँ के आँचल में सारी दुनिया से मट जाती है, इतना विशाल होता है माँ का आँचल, माँ की ममता, माँ का वो स्पर्श जिसके एहसास से बच्चा रोना भूल जाता है और आराम से माँ की गोद में सिर छुपा कर सो जाता है। शायद अभी तक माँ की गोद से ज़्यादा आरामदेह जगह बन ही नहीं पाई, क्योंकि माँ की गोद में छुपी होती है लोरी, परियों की ढेर सारी कहानी, निंदिया रानी और एक वो एहसास जो कहीं नहीं मिलता। आइए कुछ पल के लिए उसी एहसास को, उसी लोरी को,
उसी परियों की कहानी और निंदिया रानी के मंद मंद झोंकों को महसूस करते हैं माँ को याद करके।